देश में 78वां आजादी महोत्सव की तैयारी चल रही है। भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा का आह्वान किया गया है। काशीपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। काशीपुर मेन बाजार की सड़कें भारत माता की जयकारों से गूंज उठी। तिरंगा यात्रा में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भारत माता के दीवानों का सड़कों पर जनसैलाब दिखाई दे रहा था। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारत माता के दीवानों के साथ तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा, भाजपा सरकार आने के बाद ही देश में स्वतंत्रता दिवस को त्यौहार के रूप में मनाया जाने लगा। पहले लोग 15 अगस्त को छुट्टी के रूप में देखा करते थे। तिरंगा भारत की आन बान शान का प्रतीक है। तिरंगा पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ता है। भारत के अंदर विभिन्न भाषा बोलियाँ जातियाँ हैं, लेकिन जब तिरंगे की बात आती है तो सारा देश एकजुट हो जाता है। और 3 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, मुझे याद है पहले जब 15 अगस्त आता था तो लोग ये इंतजार करते थे कि कब छुट्टी होगी 15 अगस्त को और हम लोग पिकनिक जाएंगे, लेकिन आज 15 अगस्त को लोग अपने घरों में तिरंगा लगाते हैं। तो तिरंगे की ताकत आपने देखी होगी, जब यूक्रेन के अंदर हमारे 22,500 से अधिक बच्चे मेडिकल के डिब्बे में थे, उनको उससे निकालना था। मोदी जी ने पुतिन और जेलेंस्की से बात की, सीज फायर हुआ, उन्होंने कहा जिनके हाथों में तिरंगा होगा वो सुरक्षित निकलेंगे। भारत के बच्चे तो सुरक्षित निकले, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, वहाँ के बच्चों ने भी तिरंगा हाथ में लिया और सोचे तो ये तिरंगे की ताकत है। और आज हमारे युवा मोर्चा काशीपुर के द्वारा, युवा मोर्चे के साथियों द्वारा ये तिरंगा यात्रा जहाँ पर निकाली है, इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और लोगों से सबसे अपील करता हूँ कि आप अपने घरों में तिरंगा उसे लगाएँ। तो तिरंगा जहाँ हमारी स्मृति का प्रतीक, क्षमता का प्रतीक है, वही तिरंगे से अंदर हमारे अंदर एक राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होती है। हमको तिरंगा अवश्य लगाना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार एवं देहरादून में स्थापित आरोग्य मेडिसिटी इंडिया के MD को फाउंडर डॉक्टर महेंद्र राणा से सफेद दाग, विटिलिगो, सोरायसिस, एक्जिमा, एलर्जी, बालों के झड़ने एवं अन्य लाइफस्टाइल बीमारियों के स्थायी उपचार के लिए हमारे जनसंपर्क अधिकारी को कॉल करें